हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये ऑटोकैड के सिलेक्शन टूल बार के बारे में होने वाला है। सो इसमें हम कलिंग कमांड, देन फिल्टर्स एंड गिज़्मो, ये तीन चीज़ें देखने वाले हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स बना लेते हैं, जैसा बॉक्स हो गया है। उसके बाद में उसका हाइट दे देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। ओके, तो इसके विजुअलाइजेशन के लिए हम इसका होम व्यू कर सकते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। देन यहाँ एक सिलेंडर बना लेंगे। अभी देखिए दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेड इंटर ये इंटर कर लेंगे, तो ये हमें पोजीशन जो रहेगा इसका दिख जाएगा। ओके, तो इसको एक पोजीशन कर लेंगे हम, जैसा हमको पोजीशन चाहिए। अलग अलग मूव करना है, इसको अलग अलग मूव कर सकते हैं। सो ये सॉलिड्स बनाने के बाद में हमारा यूज़ आता है मेन सिलेक्शन का। सो सबसे पहला ऑप्शन जो है कलिंग वाला है। अगर देखो अभी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके हिडन एजेस जो है वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि कलिंग ऑप्शन ऑन है। जब हम इसको अनचेक कर देंगे और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हिडन एजेस भी यहाँ पे साथ ही साथ हमें विजुअलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसा कलिंग ऑन कर देंगे फिर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हिडन एजेस यहाँ पे नहीं आते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है फिल्टर ऑप्शन रहता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो फिल्टर रहता है। आप वर्टेक्स फिल्टर कर सकते हो, एज फिल्टर कर सकते हो, फेस फिल्टर कर सकते हो, देन ड्रॉइंग व्यू कंपोनेंट कर सकते हो। मेन इसमें जो है वो चार रहते हैं, जैसा वर्टेक्स फिल्टर हो गया। अगर आपको कोई वर्टेक्स फिल्टर करना है, जैसे ये फिल्टर कर लिया हमने, और यहाँ से जस्ट इसको ड्रैग करना है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, वो पॉइंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम एज को भी कर सकते हैं, एज फिल्टर लगा लेंगे यहाँ पे और इसको जस्ट ड्रैग करना है तो हमारा मॉडल जो है वो चेंजेस हमें शो करता है। साथ ही साथ आप फेस सिलेक्शन भी ले सकते हो। फेस सिलेक्शन में क्या होगा, हम एक फेस पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे जैसा फेस लेना है फेस ले लीजिए। उसके बाद में जैसा आपको जो डायरेक्शन में इसको मूव करना है, डिस्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, वैसा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। देन सॉलिड हिस्ट्री रहता है। सॉलिड हिस्ट्री में उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देन ड्राइंग व्यू कंपोनेंट जो रहता है उसमें आप व्यू देख सकते हो, अलग अलग ड्राइंग व्यूज जो रहते हैं वो दिखते हैं। तो मेन जो रहता है हमारे लिए वर्टेक्स, एज, फेस, ये तीन चीज़ें मेन रहती है, और नो फिल्टर तो बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके अलावा मूव गिज़्मो रहता है। जब भी हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो मूव गिज़्मो आएंगे। आप देख रहे हो ये एक्स वाई जेड एक्सिस जो दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये प्लेन दिख रहे हैं, तो इसको हम मूव गिज़्मो बोलते हैं। मतलब हम डायरेक्टली अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में मूव ऑप्शन अवेलेबल रहता है। सपोज अगर हमको रोटेट गिज़्मो करना है तो हम क्या करेंगे, रोटेट गिज़्मो कर लेंगे, तो हमें जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमें रोटेशन वाला गिज़्मो यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो अलग अलग एक्सिस पकड़ के हम इसको रोटेट भी यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। देन स्केल गिज़्मो रहता है। स्केल गिज़्मो क्या होता है, देखिए स्केल गिज़्मो ले लेते हैं। जैसा हम यहाँ पे देखिए ये उसके स्केल पॉइंट्स आ जाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। आप इजीली इसको मॉडल को, कोई भी मॉडल को स्केल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, ये स्केल गिज़्मो हो जाता है। देन नो गिज़्मो, नो गिज़्मो में क्या होगा, कोई गिज़्मो यहाँ पे आएगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है मूव गिज़्मो रहता है। हम चाहे तो यहाँ से वो चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप ये ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।